नमस्कार दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगले 24 घंटों में कुछ आवश्यक जानकारी आप लोगों को पता होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इन 24 घंटे में कुछ दर्दनाक लम्हों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय में आपकी ज़िंदगी में जो चमत्कार होंगे, उन्हें देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि दोस्तों श्री गणेश की कृपा आप लोगों के ऊपर बरस चुकी है, जिसमें आप लोगों को कुछ मुसीबतों व कुछ खुशखबरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज की ये वीडियो आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इसका विश्लेषण इस पे पंचांग के अनुसार आप सभी के लिए तैयार किया गया है। आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी के लिए इस वीडियो में इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने जीवन में कोई बड़ी बड़ी गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं और आप लोगों को बड़ी सफलता भी प्राप्त होने वाली है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे में आपके साथ जो होने वाला है, देखकर आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, ऐसे अनोखे चमत्कार के लिए आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जान लेते हैं कि इन 24 घंटों में किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन से बड़े कार्य हैं जो आपको करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में शुरू करते हैं और जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या सावधानियां रखनी है, सब कुछ बताएंगे। तो इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ग्रह स्थिति ये संकेत दे रही है कि अगले 24 घंटे में आप लोगों को अपने बारे में ही सोच विचार करने की आवश्यकता है। दूसरों की बातों को इतना दिल से ना लगाएं कि आप लोगों को उनकी बातों से इतना बुरा लगे कि आप कोई भी कार्य ना कर पाएं। दोस्तों, आपको अपने परिवार और चाहने वालों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। उनसे बात करें, वह थोड़ा सा मन आप लोगों का अच्छा महसूस करने वाला है। दोस्तों, अपने कर्तव्य को आप लोगों को नहीं भूलना है। आप थके हुए और आलसी महसूस कर सकते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। आज का दिन आपका मिला जुला रहने वाला है। व्यवसायिक जातकों की बात की जाए तो आप अपने व्यवसाय में रुकी हुई योजनाओं को दोबारा से शुरू करने में कामयाब रहेंगे व व्यवसाय में रुके हुए धन का भी आगमन हो सकता है। विद्यार्थी जातकों की बात की जाए तो विद्यार्थी जातक खेल प्रतियोगिता की तैयारी करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। आपके प्रयासों से दोस्तों आप लोगों की काफ़ी हद तक सराहना होने वाली है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आप लोगों को मिलने से मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बन सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में आप लोगों का योगदान काफ़ी ज़रूरी रहने वाला है। दोस्तों, प्रतियोगिता की तैयारी करते हुए छात्रों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जीत हासिल हो सकती है या फिर हार भी हाथ लग सकती है। परिजनों का साथ मिलेगा। आज आप मान सम्मान में वृद्धि कर पाएंगे। बदलते मौसम के कारण आज आप अपने आप को काफ़ी अलग से ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्य को कल पर टाल सकते हैं। नौकरी कर रहे जातकों को अपनी नौकरी में स्थान परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे वो थोड़ा सा खुश थोड़ा सा दुखी नजर आएंगे। जो युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, आज उन्हें रोजगार मिलने के संकेत हैं। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के द्वारा थोड़ी सी दोस्तों गड़बड़ महसूस हो सकती है। वह वरिष्ठ सदस्यों की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित नजर आ सकते हैं, जिसके लिए आप डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। आज आपको अचानक से किसी यात्रा पर जाने की सहयोग है, जहां आपको गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता बरतनी होगी।
दोस्तों, घर के माहौल आपका अच्छा बनेगा। आज पड़ोसियों के साथ में कुछ बहस हो सकती है, इसलिए क्रोध से बचें, व्यर्थ की गतिविधियों में खुद को दूर ही रखें। व्यवसायिक व्यवस्था भी दोस्तों अच्छी बनी रहेगी, लेकिन बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से कार्य में दोस्तों कुछ खास असर आप लोगों को घाटे का सौदा दिला सकता है, सावधानी बरतनी होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा, आज का दिन परिवार वालों के साथ व्यतीत करेंगे और ये सीखेंगे कि धन को कैसे संचय किया जाता है, जिससे आप अपने आने वाले समय में धन को बचा सकते हैं। और दोस्तों, किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, सकारात्मक आप लोगों को कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कुछ संपर्क आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, बच्चे पढ़ाई पर फोकस रहेंगे, कुछ लोग जलन की भावना से आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, परंतु उनसे उलझे नहीं। घर के वरिष्ठ लोगों का स्वास्थ्य और मान सम्मान में ज़रूर ध्यान रखें। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों में व्यस्तता रहने वाली है, इससे आपको फायदेमंद एग्रीमेंट मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, इस समय तनाव लेने की अपेक्षा धैर्य बनाकर अपने कार्य में संयम तरीके से काम करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को दोस्तों किसी कंपटीशन के माहौल के लिए अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंधों में भी आप लोगों की प्रगाढ़ता काफ़ी सामने आ सकती है। दोस्तों, धन प्राप्त हुआ है, इसका आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश करें, फिर भी दोस्तों अपेक्षा के अनुसार बदलाव ना होने से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पर दोस्तों, युवा वर्ग भी अपने करियर संबंधित चिंताओं को लेकर के काफ़ी परेशानियों का भाव अपने सामने रख सकते हैं। व दोस्तों, आप लोगों को कुछ नकारात्मक चीज़ों का दुष्प्रभाव भविष्य में झेलना पड़ सकता है। शुभ समाचार मिलने से घर में उत्साह भरा माहौल रहेगा, पति पत्नी के संबंधों में नज़दीकी आएंगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी दिक्कत दोबारा उठ सकती है, सावधान रहें, आयुर्वेदिक इलाज लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज का दिन आपकी राशि वाले लोगों के लिए शुभ है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग व प्रोत्साहन मिलेगा, घर में चहल पहल और उत्साह भरा माहौल रहेगा। लव लाइफ में भी आप लोगों को आज आपके रोमांच रहेगा, पारिवार के किसी सदस्य से कोई शुभ समाचार मिल भी सकता है। आपके द्वारा शुरू किए गए कार्य में आप लोगों को सफलता मिलेगी, पड़ोसियों से भी आज आपको तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता है। वैसे मौसम में आज बदलाव की वजह से पिता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें व परेशानी हो सकती हैं। आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुख भोग का साधन में वृद्धि लेकर आने वाला होगा, रहन सहन का स्तर भी बढ़ सकता है और आप कार्य क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं।